Hello, hello. I am back with yet another astounding episode of ZConnect, and this episode is special as we begin with a birthday celebration. इनकी आवाज की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इनके साथ सभी रंगीला हो जाते हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, लेकिन दो लफ्जों की कहानी आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। The legend Asha Bhosle turned 86 and she chose to have a destination birthday here in Dubai. आजकल लोग कहाँ कहाँ शादियाँ करते हैं। Destination birthday। हाँ, वैसे होता है। तो मैंने कहा चलो अभी बर्थडे तो मना सकती हूँ, और अपने शहर में। जी, अपना ही शहर है। अपना ही शहर। और ये बताइए कि आजकल की इंडस्ट्री में इतने सिंगर्स आ गए हैं, उनमें से कोई है आपको जो लगता है जो आपकी तरह एक लेजेंड बन सकता है, मेल या फीमेल कोई भी? बहुत मुश्किल बात है अभी, क्योंकि मेरे को मतलब आवाज समझ ही नहीं आती है। एक सुनीति चौहान, सुनीति वो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा गाती है, लेकिन उनकी रेंज मेरी हमारी जितनी नहीं है। जैसे दीदी और मेरी रेंज थी हमारी आवाज़ की, उनके पास वो रेंज नहीं, लेकिन वो फीलिंग गाने की अच्छी आवाज़ है। तो मुझे लगता है कि मेरे नज़र में वो अच्छी सिंगर है। और एक अलीशा थी, वो गा नहीं रही अभी, वो भी आवाज़ बहुत सुंदर थी अलीशा। बाकी पहचानने में नहीं आती किसी की आवाज़, कौन गा रहा है, क्या गा के गया, कुछ पता नहीं लगता। और मेरे को इतना टाइम नहीं होता है कि सुनने बैठू। अगर सुनना ही है तो क्लासिकल सुनते हैं, गज़लें सुनते हैं, गुलाम अली की गज़लें, मेहंदी हसन की गज़लें हैं, जगजीत सिंह की गज़लें, वैसे सुनने का वैसा शौक है। सही है। अच्छा, एक मेरे पास छोटा सा एक रैपिड फायर है आपके लिए, तीन ही सवाल हैं, ज़्यादा नहीं है, ये आपको चूज करना है। तो पहला सवाल है, उमराव जान या इजाजत? आपकी इजाजत हो तो उमराव जान। अच्छा ठीक है। लता मंगेशकर जी बहन की तरह या सिंगर की तरह? सिंगर पहले, बहुत बड़ी सिंगर है, बहन तो है, माँ है भी। अच्छा, लास्ट वन, आशा जी का खाना या आशा जी का गाना? ये वो आप लोग बताएं, खाना अच्छा है कि गाना अच्छा है? मुझे तो दोनों पसंद है। दोनों अच्छे होंगे शायद। शायद उसमें कोई डाउट ही नहीं है, मतलब आशा जी का गाना तो गाने इतने सारे हैं। और खाने में सबसे फेवरेट आपका क्या है? दाल चावल और अचार। अचार मिर्ची का और नींबू का, आम का नहीं। अच्छा घी हो, दाल चावल हो, एक सब्जी हो, बहुत अच्छा खाना लगता है। और बनाती सब कुछ हूँ, लेकिन मुझे पसंद है। और बनाने में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? हमारे यहाँ तो मीट ही बनता है, सब किस्म के मीट बनते हैं और फिश बनती है, बहुत रोज़ कुछ ना कुछ नॉनवेज होता ही है। और सब उंगलियाँ चाटने वाले खाने ही बनते हैं। और खाना खाने के लिए जो लोग आते हैं उनको बनाना ही पड़ता है ना सबके लिए जी। तो जब आते हैं लोग तो मैं खुद बनाती हूँ। और वैसे भी बच्चे हो घर में तो किचन में बैठ जाती हूँ, बच्चे ना हो तब मैं किचन में नहीं जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी खाने वाले तो होने चाहिए। इस रुमाल का आपको मैंने निकाल ही लिया है तो बताती हूँ। जी प्लीज बताइए। ये आदमी का रुमाल है, लेडीज रुमाल नहीं है। नहीं। तो एक वक्त था जो हम स्ट्रगल कर रहे थे और मुंबई की गर्मी में इतना गर्म होता था कि ये रुमाल है जो बालों के नीचे से ऐसे लगा के हमको चलना पड़ता था कि इतने पसीना आता था और चलना पड़ता था सड़क तो मई महीने में और ये वो। तो उस वक़्त से ये रुमाल मेरा साथी बन गया है। तो सब लोग हंसते हैं कि देखो आशा भोसले के हाथ में रुमाल कैसा है, अच्छा रुमाल होना चाहिए, छोटा सा वगैरह। मैंने कहा छोटे से तो पसीना पहुँचा ही नहीं जाता, खाली फैशन रह जाती है। तो ये रुमाल जो है हमारे स्ट्रगल की दिशा है। ये आपने अपने साथ रखा हुआ है हमेशा से? हमेशा से
ऐसे रुमाल में यूज करती हूँ जो बड़े वाले जीन्स और के। जिसमें पसीना तो पहुंच जाए। चलिए थैंक यू सो मच, लेकिन आपको एक थोड़ा सा तो गाना कोई भी गुनगुनाना पड़ेगा ही हमारे लिए, जो भी आपके दिमाग में, जो भी आपका फेवरेट हो। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 और आशा जी सर, ड्रीम कम ट्रू, आप मेरे सामने बैठ कर गा मेरे को रही सर्दी हैं। आज। फिर भी इतना अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। थैंक एंड नाउ लेट्स मीट द मैन हु मेड दिस पॉसिबल। ओके, इट वाज नॉट समथिंग दैट वी थॉट वेरी हार्ड ऑन एंड इट वाज इजी फॉर अस टू लुक एट इट बिकॉज इट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हैविंग अ लिविंग लेजेंड लाइक आशा जी टू कम ओवर एंड बीइंग एन इंडियन Also in Dubai, it was an honor. The event actually just has happened because I have looked in that my mother was here and it is for her. रात बाकी बात भी बाकी, जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर यहीं आएगी। See you on the other side. ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं स्वाद से स्वागत में व्हाट शेफ मनोज इज प्रेजेंटिंग टुडे। नमस्कार, स्वाद से स्वागत है जिसका नाम है केल और कीनुआ की टिक्की। केल अपने आप में एक बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है जो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे हेल्दी पत्ता है। केल लीफ जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन के विटामिन सी में बहुत ही रिच है और ये बहुत बहुत हेल्दी है। एक और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है किनवा, जिसको हमने पहले से ही कर रखा है पार बॉयल। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है और ये प्रोटीन फाइबर में बहुत रिच है। उसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चॉप्ड केल लीफ, पार बॉयल किनवा, पार बॉयल मैश पोटेटोस, गरम मसाला, लेमन रिन, ऑलिव ऑयल, चॉप गार्लिक, चॉप अनियन, ब्लैक पेपर, कॉर्नफ्लावर, मिंट, कोरिएंडर। जो एक और इंग्रेडिएंट है वो है ऑरेंज मार्मलेड, जो आप खाने को खट्टा और मीठा बनाएगा। इसके लिए हम लेंगे एक मिक्सिंग बॉल एंड विल ऐड चॉप केल लीफ अबाउट 60 ग्राम्स, 50 ग्राम ऑफ पार बॉइल्ड कीनुआ, 2 टेबलस्पून ऑफ पार बॉइल्ड मैश पोटेटोस। अब बारी है डालने की इसमें स्पाइस, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, नींबू का छिलका घिसा हुआ करीब 1 टेबलस्पून, चॉप अनियन 1 टेबलस्पून, चॉप गार्लिक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर अबाउट 1/4 टीस्पून, सॉल्ट स्वाद अनुसार, चॉप कोरिएंडर 2 टेबलस्पून। नाउ द मेन इंग्रेडिएंट इज कॉर्नफ्लावर, ये जरूरी है बाइंडिंग के लिए, अबाउट 1 टेबलस्पून फ्रेश मिंट, इसको हम तोड़ के ऐसे हाथ से दिस मिक्स, अब इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत जल्दी बनने वाली डिश भी है। चलिए, ये मिक्सर है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब बारी है टिक्की बनाने की। टिक्की जो है बहुत शानदार बनेगी और जो इसका एक एक्स फैक्टर था वो था मामलेट, जो इस खाने को बनाएगा खट्टा और मीठा। तो ऐसे इसमें होल करेंगे, स्टफ करेंगे और हल्का सा इसको कवर करेंगे डाल के अंदर धीरे धीरे, ताकि जो मामलेट है वो बिल्कुल अंदर अच्छे से स्टफ हो जाए। और इसको अब रोल करके हल्के से प्रेस करके शेप देके जो टिक्की है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। और अब बारी है इसको पकाने की, तो पैन में पहले डालेंगे, ये हेल्दी रेसिपी है इसलिए ऑलिव ऑयल धीमी आंच पे पहले और फिर धीरे धीरे उसकी आंच बढ़ाएंगे, धीमी को करना है अच्छे से स्प्रेड। और अब बारी है डालने की इसमें ये टिक्की, इसको हम पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प बन जाए।
ये टिक्की जो है बहुत अच्छे से पक रही है, अब बारी है इसको पलटने की। देखिए जो टिक्की है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब बारी है इसको प्लेटिंग करने की। लुक एट द कलर, कितना बढ़िया कलर खिल के आया बाहर, हरा ब्राउन। और अब बारी है थोड़ी सी गार्निश की, फ्रेश धनिया। तो हमारी डिश रेडी है, चॉप के लिए अबाउट 60 ग्राम, 50 ग्राम ऑफ पाल बॉइल्ड क्विनोआ, 2 टेबलस्पून ऑफ मैश पोटैटोस, 1 टेबलस्पून गरम मसाला नींबू का छिलका, 1 टेबलस्पून चॉप अनियन, 1 टेबलस्पून चॉप गार्लिक, 1 टीस्पून 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट स्वाद अनुसार, चॉप कोरिएंडर 2 टेबलस्पून, कॉर्न फ्लोर 1 टेबलस्पून, फ्रेश मिंट जस्ट मिक्स। अब बारी है टिक्की बनाने की, स्टफ करेंगे ऑरेंज मामलेट। जो टिक्की है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है, धीमी आंच पे पहले, ये हेल्दी रेसिपी है इसलिए ऑलिव ऑयल। देखिए जो टिक्की है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब बारी है इसको प्लेटिंग करने की। Time to go into a break. See you all very soon. Now that our appetite has been satiated, let's feed our souls too. Aap sabki favorite film Zindagi Na Milegi Dobara mein, there's a sweet banter where Nasiruddin Shah asks Farhan Akhtar about his profession. Ye sab to dusron ke liye karte ho, apne liye bhi kuch likh lete ho? There are so many of us who have a day job that everyone does for a living. But deep inside lies a passion that one yearns to do full time. इसी पर बेस्ड है हमारा नया सेगमेंट प्रोफेशन वर्सेस पैशन। तो हमारे इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो काम तो कुछ और करते हैं लेकिन उनका पैशन, उनका ड्रीम कुछ और ही होता है। सो टुडे वी आर मीटिंग दिस वेरी टैलेंटेड 27-year-old हुज पैशन एंड व्हाट ही डज फॉर अ लिविंग आर पोल्स अपार्ट। मुल्कराज, वेलकम टू सी कनेक्ट। हाय, थैंक्स लॉट फॉर हैविंग मी ओवर। So Mulkraj, you are 27 years old, too young to be an entrepreneur. Tell me, what do you do? Basically, we manufacture air compressors and nitrogen plants for the oil and gas and power segment. Okay, but keeping that aside, you also have a dream, a passion that you've been following for quite some time. What is that? I've been learning Hindustani Shastriya Sangeet since I was 3, and I've been trained for a very long time. I still follow it, love singing. Khayal, Thumri, Dadra, Kachri, Bar Masa, Char Masa. Those are the folk forms from the UP side, but has been adopted by the Hindustani Shastriya Sangeet in a semi-classical form, I would say. Do you have sort of someone who inspires you? I would say my Ustad. Now, what made you get into business and not pursue music seriously instead, you know? So, I was in Bombay doing my sound engineering. And I was working for Pritam as a AD. Okay. And I worked for him for 3 years. And later my dad pushed me to get into business. So then deep in your heart you felt that you should have still continued? Yeah, but we still do it over here. So I had a band which we used to do a lot of world music festivals here. Mulkraj, we are not letting you go without singing something for us. So kya suna rahe hain aap? I'd like to sing a khayal. हजरत खाचा खेजर की नजर दियरा आ मैं बरूं। नीरे गरे गम गम धम धनी धनी सा
रे स नि स ध नि ध प म ध नि नि ध नि ध प म ग रे ग म प रे ग रे नि रे प म म म ध नि प रे ग रे नि ध नि रे स दि य र आ म ब। तो इसे ख्याल कहते हैं और ये तो सिर्फ एक that's only first phrases of a khayal, so you can sing it for maybe an hour or two, which we would love to listen to. Honestly, your years of training and how deeply you feel for it can actually be seen. It's really sweet. It's really, I wish I could do like 5% of what Ustad or Buzurgon ne kiya hai, but it's a difficult task to do it, so we still are babies. It doesn't seem difficult for you at all. You're doing it so effortlessly. So thank you so much. Thanks. Wishing you all the very best in life. Thanks. मन को तो मौला फाजली उल मौला दारा दिल्ले दारा दिल्ले दारे दायली हो दारा दिल्ले दारा दिल्ले दारे दायली हम तम ताना ना 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 ताना ना ना रे हम तम ताना ना 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 ताना ना ना रे यलेली दारा दिले दारा दिले दारे दायली मन कुन तो मौला मौला अली मौला मन को तो मौला आ रहे हैं ये सितारे जमीन पर. When stars descend, they descend on ZeeConnect. I am talking about the Society for Acknowledgement in Work Excellence, SAWI, that brought the India International Excellence Awards 2019 to Dubai in rewarding people involved in exceptional work. Well, like you all know, it was the Vimal Elaichi SAWI IIEA 2019. We shall witness a star-studded gala felicitating achievers from different walks of life. Elaichi SAWI IIEA 2019. Want to know who all we caught up with? See for yourself. Rangana, you look beautiful, stunning as ever. Tell us, how's Dubai treating you? Dubai is always great, you know. I mean, this city is, I was just saying, that it looks like a comic strip. It's like I'm driving through a comic strip. It's so beautiful. And yeah, the shopping is always great. And it honestly never feels like I'm not in India, in the sense that so many people are here from India, like Indians, I mean. And, you know, everybody's speaking in Hindi, and it just doesn't ever feel like I'm not in my own country. Yeah, literally. And I'm sure everybody feels like that. So yeah, it's Dubai is great. Dubai is Dubai. Yeah. And tonight is a glittering evening, all glitz and glamour. There's going to be awards, and you are on the jury panel along with Anil Kapoor as well. And there are a lot of people who are being awarded for their excellent work. What do you think about this? No, I think it's great, you know, to acknowledge the work that people are doing, Indians are doing, and, you know, the kind of talent that we have. I think it's important to acknowledge them, to award them, and it's a great incentive, and I think it's a great initiative. I'm very happy to be here. Also the kind of people that we have, the talent that we have. So yeah, it's great participation. There's a lot of people who are here. So I'm very happy, yes. Thank you so much. What are we looking forward to in this glittering evening? Well, I think I'm happy to be part of SAWI, first of all. And I think it's the first edition. So that makes it very, very special for me. And the fact that we have some incredible celebrities, we have people from different backgrounds who have excelled in their fields. So it makes me very, very happy that I will be sharing stage with them.
and I congratulate all of them and I'm very happy to be in the city of Dubai. So, aaj Dubai mein phool laga ke aaye? Yes, phool ke liye hain Gulshan. Acha Gulshan phool ke liye hain to yahan bahut sare awards jeetne wale hain. Aap kya karne wale hain? Main bag laya hu, bag mein side mein jagah hai. To main bhi इच्छुक हूँ कि मुझे भी अवार्ड मिले। मधु जी, आपने इतनी पिक्चरें बनाई हैं, ऑब्वियसली नाउ तो आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन मुझे बताइए कि व्हेन अ मूवी डजंट डू वेल, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, फिल्म लाइन में हर तरह की चीज़ें होती है। ये हैंडल करना सक्सेस और जो हम लोग कहते हैं फेलियर, वो फिल्म लाइन में नहीं होता, वो बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है, क्रिकेट वर्ल्ड में भी होता है। कोई भी क्षेत्र जो क्रिएटिव होता है, वो हम लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको उस हिसाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला या उस हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिला वो होना चाहिए। क्रिकेटर होता है, वो भी कभी कभी ऐसा लगता है 100 रन बनाएगा और लेकिन 0 में आउट हो जाता है या कम रन बनाता है। तो ये बेसिकली जो होता है वो एक हमें आदत है। मैंने तो मेरा करियर ही फ्लॉप फिल्म से शुरू किया था, पहली पिछतरी शक्ति मेरी चली नहीं थी और उसके बाद मैंने चांदनी बार से हिंदू सरकार की मेरी जर्नी बड़ी अच्छी रही, लोगों ने मुझे सराह पसंद किया, मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सफल रही, क्रिटिकल अक्लेम रहा और राष्ट्र पुरस्कार पे नवाजा गया, अवार्ड दिया गया मुझे। तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, उस प्रोसेस में आप रखता है कि हर पेंटर जो पेंटिंग बनाता है, ज़रूरी नहीं इसकी हर पेंटिंग अच्छी हो, कुछ पेंटिंग थोड़ी कम अच्छी आती है, लोगों को पसंद भी नहीं आती। तो फिल्म का भी ऐसे ही है, एक्टर का भी ऐसे ही है, कभी एक्टर की हर फिल्म आपको पसंद नहीं आती, नहीं यार उसमें मज़ा नहीं आया, इसमें ये नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पेंटर खराब है, एक्टर खराब है, फिल्म मेकर खराब है या क्रिकेटर खराब है, ये एक साइकिल होता है। Thank you so much. So that's all for this week's Zee Connect. We will be back next week with more stories, more opinions and more food. Keep sending us your feedback on our social media handles and I'm going to see you very soon.